कयामत के दिन इस ताल्लुक से हमसे पूछोगे। सबसे पहली वजह हमारा बेनमाजी होना, सबसे पहली वजह नमाज अब नहीं पढ़ते। ग्यारहवीं का नाम हो तो 10 मन की बिरयानी तैयार है, मिलाद की बात हो 50 मन पकाने के लिए हम तैयार है, जुलूस की बात हो जुलूस से अच्छा तो मनोरंजन का कोई साधन नहीं है इस वक्त हमारे पास, क्योंकि डीजे हम निकालेंगे, थिरकेंगे हम, नाचेंगे हम, पैर तो हमारे थिरकना चाहिए, यही तो तालीम है। उड़सोंगा भी किसका उड़सोंगा आपके यहां? हजरत सुल्तान हैदर अली के पीरो मुर्शिद। क्या ये लोगों ने, ये बुजुर्गों ने यही तालीम दी है कि मेरे उर्स के नाम पे ढोल बजाओ, नाचो, थिरको, डीजे बजाओ? क्या बुजुर्ग इसे ही कहते हैं जो नाचता है, थिरकता है, गाता है? कुरान तो कहता है मेरा वली वो होता है जो साहिब तकवा होता है। बेशक बेशक, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली नहीं मगर वो जो साहिब तकवा है, जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। लेकिन हमने वलियों का क्या समझ रखा है? वलियों के लिए सिर्फ कव्वाली, गरीब नवाज कव्वाली सुनते थे। अरे हाँ यार, गरीब नवाज सुनते थे तो पहले मेरे भाई ये भी तो जरा बता दे कि वो किस चीज के साथ सुनते थे, कौन कौन से मौसीकी के आलात होते थे, कौन कौन सी मजामीर के आलात होते थे, कौन से ढोल, कौन से तबले। हजरत फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के खलीफा और शागिर्द है, जब निजामुद्दीन औलिया के जमाने में तोहमत लगाई गई कि ये मजामी ढोल बाजे सारंगी मौसीकी के साथ कव्वाली सुनते हैं, तो निजामुद्दीन औलिया उस वक्त ज़ईफ थे, बूढ़े थे, उनकी मलफुजात अल फवायदुल फवाद उठा के देखिए, फारसी में आज भी मिलती है, उर्दू तर्जमा आ चुका है, उसमें साफ फरमाया मजामीर हराम, मस्त ढोल बाजे सारंगी ये हराम है, हराम है, हराम है। और अपने मुरीद फखरुद्दीन चिश्ती से कहा, फखरुद्दीन सीमा के खिलाफ किताब लिख, मैं दस्तखत करता हूं। उन्होंने किताब लिखी, दस्तखत की निजामुद्दीन ने, और उसमें क्या लिखा है हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपनी दस्तखत में? लोगों, ढोल बाजों के साथ कव्वाली हमारे नजदीक जीना की तरह हराम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। सिलसिला चिश्तिया को बदनाम करते हो यार, जाहिल लोग जो पढ़ते नहीं लिखते नहीं वो बाबा बने बैठे आज, वो पीरे मुगा है, 10-10 अंगूठियां लगी है, पीर साहब है, तरीकत है। अच्छा, अबे तेरे से नमाज पढ़ना नहीं होता, तरीकत पे चला गया, तू ऊपर की सीढ़ी चढ़ गया, पहली तो सीढ़ी चढ़, पहली सीढ़ी तो चढ़ानी है, दूसरी सीढ़ी पे औरतों से पैर दबा रहा है, तरीकत, औरतों से बेपर्दा मिल रहा है, तरीकत, नमाज क्यों नहीं पढ़ता? कव्वाली सुनेगा, तरीकत, रक्स करेगा, तरीकत, नाचेगा, तरीकत, क्यों साहब? तरीकत है, तरीकत ऊंची है, शरीयत छोटी है। अबे जब तू छोटी पे फायद ही नहीं तो बड़ी पे कहा चला गया? क्या बात है, सिलसिला चिश्तिया को बदनाम करते ये लोग। मैं चिश्ती हूं खुदा की कसम, मैं आज तहजी से नेमत पे कह रहा हूँ, सिलसिला चिश्तिया से बैद भी हूँ, सिलसिला चिश्तिया में खिलाफत भी है, मुरीद करता नहीं हूँ मैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन मुझे मालूम है, मैंने पढ़ा है निजामुद्दीन औलिया की किताबों को, मैंने पढ़ा है दलीलुल आरिफीन ख्वाजा गरीब नवाज की किताब को, मैंने पढ़ा है अनीसुल आरिफीन हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की किताब को, मैंने पढ़ा है असरारुल औलिया बाब फरीद की किताबों को, मैंने पढ़ा है, ये किताबें मेरे पास मौजूद है, किताब खोलो और देखो चिश्तिया सिलसिला के बुजुर्गों ने क्या लिखा है। खुदा के वास्ते उनको बदनाम मत करो, बदनाम करते हैं उनको। कव्वाली सुना, अच्छा कव्वाली सुना, नमाज भी तो पढ़ी है उन्होंने, वो कौन पढ़ेगा? वो तुम नहीं पढ़ोगे। मजा मस्ती चाहिए, मनोरंजन चाहिए, नमाज हमसे नहीं होती। तरीकत क्या? नाचना तरीकत है, लड़कियों के बीच झूमना तरीकत है। अच्छा, जब यही तरीकत है तो आप इतने बड़े पीर नहीं, आपसे बड़ा पीर सलमान खान है और आमिर खान है, वो बहुत बड़े तरीकत पे फायद है, उसका दिन रात यही काम है, फिर तो आप उससे जाके मुरीद हो जाइए। इसमें क्या सुरख आपके पर लगे, इससे मुरीद हो रहे हो आप? एक बात बताओ यार, जरा ईमानदारी से, दर्द के साथ मैं बात कर रहा हूं। एक डीजे का संदल निकलता है आपके यहाँ, ढोल बाजों से संदल निकलता है, पूरे हिंदुस्तान का यही हाल है, मुझे यहां का नहीं पता लेकिन मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। एक मुझे खुदा की कसम, मैं चैलेंज से बोल रहा हूं, मुझे एक ऐसा वहाबी बताओ जो आपके संदल को देख के सुन्नी बनाओ, दिखाओ मुझे। मैं हूं कल तक यहां, कल भी मेरा जलसा करीब में, मैं रुका हूं, मुझे कल मिलाना उस किसी वहाबी से, मैं रुकूंगा सुबह तक अगर आप बोले, और मुझे किसी ऐसे वहाबी से मिलाओ जो वहाबी था और उसने कहा कि भाई ये संदल देख के मेरे दिल के दरीचे खुल गए, मैं सुन्नी हो गया। मगर खुदा की कसम, मैं आपके शहर में ऐसे 50 वहाबी दिखा दूंगा जो सुन्नी थे और डीजे को देखकर वहाबी बने।
तो तुम जिसको सुन्नियत बोल रहे हो उसने तो तुम्हारे लोगों को बदअकीदा बना दिया। कयामत के दिन ये अल्लाह का वली जिसका उर्स मना के तुम ढोल बजाओगे, कयामत में गिरेबान पकड़ के पूछेगा कि मैं तबलीग दीन के लिए आया था, मैं इस्लाम फैलाने के लिए आया था और तूने मेरे नाम पर ढोल बजा के इस्लाम से हटाया है, मुझे जवाब दे इसका। अल्लाह अकबर, क्या जवाब दूंगी? मेरी मस्जिद इसलिए ढोल बजा रहा था, मेरे जो मसा आता था इसलिए ढोल बजा रहा था। सुन्नियत को बदनाम करके रखियो, तकलीफ इन ऐसे जाहिल सुन्नियों से हमें तकलीफ होती है। लेकिन मैं टंकी की चोट पे बोलता हूं, मुझे परवाह नहीं कि कोई नजराना दे या ना दे। मैं अपने घर में रहूं तो 50,000 का रोज का आदमी हूं मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि चिढ़ जाए और आप कह रहे साला क्या बोल दिया मौलवी, नजराना ही नहीं देंगे तो भाड़े में जाए तुम्हारा नजराना, मेरे को क्या पड़ी है। जो हक है ये मिंबर का तकाजा है, हक बोलो, हक चाहे कड़वा हो या कैसा ही हो, हक बोलो।